ये है गाइस मंदिर का रास्ता, चलिए लेके चलता हूँ आप लोग को पहाड़ के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। गाइस मेरा पीछे आप लोग को एक बोर्ड दिख रहा है, माँ नारायणी पीठ। गाइस ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भीड़ भीड़ कुछ नहीं होता है। आई थिंक 95% लोग को पता भी नहीं है कि यहाँ कोई मंदिर है। और ये मंदिर है जस्ट NIT से सट के। देखिए पीछे आपको NIT का भी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखिए ये टोटल NIT का कैंपस है। और ये यहाँ का रास्ता है, NIT का जो लास्ट गेट है, बैक पोस्ट क्रॉस करने के बाद एक गेट आता है NIT का, उसको क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड से एक रास्ता जाता है, ये वही रास्ता है। गाइज यहाँ का आप लोग को मैं सीन दिखाता हूँ, मंदिर कैसा है क्या है, बने रहिए वीडियो में। ये मंदिर में आज तक कभी नहीं आया, कहीं से मेरे को पता चला कि हाँ यहाँ एक मंदिर है NIT के बैक पोस्ट के पास में, तो आप लोग के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। गाइस बने रहिए वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना, जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सुंदर है। तो फ्रेंड जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैं आधा रास्ता पहुंचा हूं और यहां अभी देख रहा हूं कि और भी ज़्यादा अप है मंदिर, और भी ज़्यादा दूर है। देखिए ऊपर एक आपको झंडा दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखिए झंडा, शायद वहाँ मंदिर है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, चलते हैं ऊपर। फ्रेंड्स अभी मैं मंदिर पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन ऊपर से मन किया थोड़ा NIT का बिल्डिंग वगैरह देखने का, इसलिए थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ये पहाड़ कोई हिल टॉप से कम नहीं है। फ्रेंड्स मैं पिछला 15 मिनट से कंटिन्यू अप चढ़े जा रहा हूँ, लेकिन मंदिर का आता पता नहीं है। गाइज और एक बात, अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं घूमने के लिए, तो बाइक कार से आप लोग नहीं आ सकते हैं, आप लोग को नीचे रखना पड़ेगा NIT के गेट के पास। अभी पूरा रास्ता भी बताऊँगा, तो ब्लॉग को गाइज कंटिन्यू देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। बहुत सारा वीडियो, 2 या 3 वीडियो है इस जगह के बारे में, लेकिन किसी में भी ढंग से रास्ता नहीं बताया गया, तो मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम आप लोग को भी हो जो मेरा वीडियो देख करके आए। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, आप लोग को एक एक डिटेल बताऊंगा कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है और कैसे आना है। तो गाइस फाइनली 20 मिनट लगा यहाँ ऊपर चढ़ने में, और पीछे जैसे आप लोग देख सक रहे होंगे फाइनली मंदिर मिल ही गया। हालत ख़राब हो गया पहाड़ चढ़ चढ़ के। फ्रेंड्स एक बात बोलूँगा, अगर कोई ज़्यादा उम्रदार है, कोई ज़्यादा एजेड आदमी है या औरत है, उनको यहाँ ना लाने के लिए, क्योंकि ऊपर जाने का कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, आप लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। गाइज बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि मेरा भी हालत ख़राब हो चुका है। गाइज आप बने रहिए वीडियो में, चलते हैं देखते हैं मंदिर। तो ऐसे दूर से थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन देखते हैं अंदर से क्या हालचाल है मंदिर का। तो गाइज पहुंच गया मैं मंदिर, छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हनुमान जी का मंदिर है। गाइज यहाँ देख के लग रहा है कि यहाँ एक आदमी भी अभी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, किसी को आने जाने में भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ऊपर से गर्मी का भी दिन स्टार्ट हो चुका है, मार्च का महीना है। गाइज ये ब्लॉग संडे को बन रहा है, मैं आज बना रहा हूँ, टाइम करीब हो रहा है 12:30, लेकिन यहाँ एक भी आदमी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है जो यहाँ घूमे। ये पहाड़ के नीचे जाने का रास्ता है। फ्रेंड्स मंदिर तो अंदर से बंद है, लॉक है, और ये है मंदिर का गेट, ये भी बंद हुआ हुआ है, तो अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं आप लोग को यहाँ से दिखाने का ट्राई करूँगा। ये अंदर मंदिर का नज़ारा है अंदर का। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये जो बोर्ड दिख रहा है,
यहाँ जिस भी भगवान का फोटो है वो सब मंदिर अंदर मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से ताला लॉक है, यहाँ कोई भी नहीं है, वरना आप लोग को मैं अंदर जाके श्योर दिखाता। गाइज, यहाँ शिव जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, जो जो फोटो यहाँ है सब का मंदिर अंदर है, लेकिन अंदर लॉक है। तो गाइज, अब आते हैं पॉइंट का बात पे कि आप लोग यहाँ पहुँचेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आना है NIT का बैक पोस्ट। अगर आप लोग ये नाम नहीं सुने हैं कि NIT का बैक पोस्ट कहाँ है, तो आप लोग किसी से भी पूछ लीजिए, इतना रास्ता है, इतना दुकान है, कोई भी आपको बता देगा कि NIT का बैक पोस्ट कहाँ है। गाइज, NIT के बैक पोस्ट आने के बाद आपको आना है बैक पोस्ट वाला एकदम सीधा रोड में टिल एंड। जब आप आएंगे NIT का, आपको राइट साइड में एक गेट दिखाई देगा, बस्ती क्रॉस करके आप लोग को गेट तक आना है। गेट क्रॉस करने के बाद वहां आप लोग को एक गार्ड दिखाई देगा, जो कि NIT का गार्ड रहेगा। आप लोग उसको पूछ सकते हैं इजीली कि भैया, पहाड़ के ऊपर जो नारायणी पीठ है, नारायणी मंदिर जो है, वो कहाँ है, तो वो आप लोग को इजीली बता देगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया। फ्रेंड्स, यहाँ का ऐसा मानना है कि माता यहाँ धरती से निकली थी। मंदिर के जो पुजारी है, उनको रात को सपना आया था, इसी कारण इस मंदिर को इतने पहाड़ के ऊपर बनाया गया। तो गाइस, आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत मेहनत किए हैं, पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ के आए हैं जस्ट आप लोग के लिए। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मंदिर अच्छा है, छोटा मंदिर है, लेकिन ऊपर चढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, खासकर गर्मी में। तो गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा और फेमस बनाइए, ताकि मंदिर को लोग जाने पहचाने और आने का सुख सुविधा इंक्रीज हो। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ 3-4 दिन बाद एक दूसरा ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।